दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए नई वैकेंसी को लेकर के है। स्टडी पोर्टल एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड करवाता ही करवाता है, उसी के साथ साथ जितनी भी नई वैकेंसी आती हैं उनकी भी जानकारी देता है और रिटर्न से लेकर के इंटरव्यू तक हर जगह आपको सपोर्ट करता है। चाहे ऑफलाइन कोचिंग की बात हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, चाहे ऑल इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना हो या फिर पीडीएफ और ई बुक के रूप में आपको मटेरियल देना हो, ये सारे आपके स्टडी पोर्टल के प्लेटफॉर्म पे चीजें मौजूद हैं। तो आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं जो भारत के अंदर NYKS नेहरू युवा केंद्रीय संगठन जो है उसके अंदर वैकेंसीज आई हैं और आज हम उन वैकेंसीज की बात करेंगे 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो अब वैकेंसी आई हैं उसमें अप्लाई करना आपको है, एग्जाम की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए और आने वाले समय के अंदर जो इसका रिटर्न होना है उस समय के लिए आप तैयार हो जाइए अपने आप के लिए एक सीट इसमें बुक करने के लिए। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अप्लाई करने का ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट 15 दिसंबर 2018 से शुरू हो रहा है, यानी 15 दिसंबर 2018 से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2018, यानी 15 से 31 दिसंबर के बीच आपको अप्लाई करना है और 31 दिसंबर ही फीस पे करने की भी लास्ट डेट मानी जाती है। कई एग्जाम में लास्ट डेट के बाद 2-3 दिन फीस के लिए दिए जाते हैं, बट इसमें आप ध्यान रखें लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वही फीस सबमिट करने का भी है। एग्जाम 200 नंबर का अलग अलग पैटर्न के लिए एग्जाम दिया गया, किसी में 200 का, किसी में 150 का, उसकी भी हम एक बार बात कर लेंगे। आइए डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले दोस्तों ये गाइडलाइन दी गई है, इसको आप लोग इस साइट के ऊपर सीधा जाकर भी देख सकते हैं, जो NYKS की साइट है गूगल में टाइप कीजिए और आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। 15-12-2018 अप्लाई करने की डेट शुरुआत हो रही है, 31 दिसंबर तक अप्लाई हो सकते हैं, 31 दिसंबर ही फीस की लास्ट डे मानी जाती है, बैंक के थ्रू आपको इसको पे करना होता है। अच्छा अब देखते हैं कितने आधार पर है। 3 प्रकार की वैकेंसीज इसमें दी हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, तीनों के लिए वैकेंसियां हैं और तीनों के लिए अलग अलग हैं। DYC के लिए 101 पोस्ट हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 75 हैं और MTS के लिए 52 हैं। अब संदेश उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बस इतनी सी वैकेंसियां, दोस्तों इतनी सी वैकेंसियां चाहे कितनी भी हों आपको अपने लिए सिर्फ एक चाहिए है, और जो लोग ये कहकर के छोड़ देते हैं कि वैकेंसियां कम हैं वो जिंदगी में हमेशा छोड़ते चले जाते हैं, उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। अब जैसा आपने सोचा है ऐसा ही हजारों लोग और सोचेंगे कि चलो छोड़ देते हैं कम वैकेंसियां हैं और इनके लिए फॉर्म उतने ही जाने होते हैं जितने आप लोग ज्यादा वैकेंसियों के लिए अप्लाई करते हो। तो यहाँ वैकेंसियां कम हैं तो ये सोचने वाले भी बहुत ज्यादा लोग होंगे कि इतने में हमारा क्या होगा, और ले देकर के जो फॉर्म होते हैं वो सिलेक्टेड सा ही कंपटीशन होता है, चाहे ज्यादा वैकेंसी के लिए हो चाहे कम के लिए हो, यहाँ आपके लिए राहत की सांस रहेगी। अब ये पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जनरल के लिए कितने हैं, SC के लिए कितने हैं, ST की कितने हैं, OBC, PWD, ESM सबका अलग अलग डाटा इसमें दिया गया है। और एलिजिबिलिटी जो दोस्तों होगी वो 1 जनवरी 2018 के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। अब थोड़ा सा देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। जो आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है उसके लिए BCom मांगा गया है, BCom ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड दे दिया इसने इन लोगों को। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, टाइपिंग स्पीड आपकी 30 WPM से लेकर के और आपको 25 WPM इन हिंदी, यानी या तो ये होना चाहिए आपका या आपके पास ये होना चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। डिजायरेबल क्या है, ये डिजायरेबल कंडीशन भी दे रखी है इन लोगों ने। उसके बाद हम बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। MTS के लिए मैट्रिकुलेशन है दोस्तों 10th दिया गया है, डिजायरेबल में ये कंडीशन दे रखी है। एज आप इस पे देख सकते हो कि यूथ कोऑर्डिनेटर की एज यहाँ पे 28 साल इस डेट तक दे रखी है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आपकी ये डेट है, और MTS की आपकी एज यहाँ होनी चाहिए। ये तीनों प्रकार की एज की कंडीशन आप यहाँ से देख करके अप्लाई करने की कोशिश करें। दूसरी बात,
एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम दोस्तों आपको उसी तरीके से होगा जिस तरीके से बाकी पोस्टों का एग्जाम होता है। इसमें जो आपका डीवाईसी का है उसके लिए आपको 200 नंबर का पेपर मिलेगा और इसमें 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। 40 की रीजनिंग, 40 का जीके, 40 का इंग्लिश, 40 का जनरल पेपर का हिस्सा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी आपको 40 का ही मिलेगा। यानी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके और जनरल पेपर, ये सारे के सारे 40-40 के पोर्शन 500 हैं आपके। 200 नंबर का पेपर आपको यहाँ साफ नजर आ रहा है। 120 मिनट, 2 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं आपका अकाउंट कलर्कम टाइपिस्ट के लिए। दोस्तों ये इन्होंने 5 पोर्शन बांटे हैं, 40-40-40-40-40 सेम पोर्शन है, लेकिन सब्जेक्ट जनरल पेपर की जगह इन्होंने कंप्यूटर रखा है। रीजनिंग है, मैथ है, अकाउंटेंसी नॉलेज है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। ये भी आपका 40 गुणा 5 200 का आपका यहाँ रहेगा। और तीसरा पोर्शन एमटीएस के लिए जो अलग है वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। यानी रीजनिंग, मैथ, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये आपका इस पोर्शन में रखा है। रीजनिंग 25 की, मैथ 25 का, जनरल अवेयरनेस 50 की और जनरल इंग्लिश आपकी 50 की। यहाँ भी आपके लिए 150 नंबर का पेपर मौजूद है और इसके लिए आपको यहाँ पे 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। जहां तक बात रिटर्न और इंटरव्यू की है, पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा जिसको 80% आधार पर गिना जाएगा और इंटरव्यू को 20% के आधार पर यानी 80 और 20 का रेशियो इसमें रखा गया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जितनी भी नई वैकेंसी आती हैं, नित नया स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, सबकी जानकारी हम देते हैं। आप हमारा ये नंबर है, इस नंबर को सेव कर सकते हैं और इसी के साथ ये व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स की जानकारी आपको मिलती रहे और साथ साथ में स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहे। और दोस्तों जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ही हमारा और आपका ये चैनल मजबूत होता जाएगा। आज के लिए इतना ही।